तो सबसे पहले वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल प्रैक्टिस मास्टर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीएच स्केल। तो ध्यान से देखिएगा पीएच स्केल क्या होती है, बहुत आराम से समझ में आने वाला है। पीएच स्केल, देखो पीएच स्केल क्या है, एक्चुअली में एक पेपर की स्ट्रिप है और उस पेपर की स्ट्रिप के ऊपर 0 से 14 तक नंबर लिखे होते हैं, जो अलग अलग नंबर ये बताते हैं कि दिया गया सब्सटेंस जो है वो कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना ज्यादा बेसिक है। ठीक, तो पीएच क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ एसिडिक और बेसिक वाटर इज। अब इसका क्या मतलब है, देखो पीएच स्केल से अगर आपको चेक करना है कि फला सब्सटेंस एसिड है, बेस है कि सॉल्ट है, क्या है, तो वो आपको चेक करने के लिए एसिड बेस या सॉल्ट जो भी है उसको पानी में डालना पड़ेगा। वो जब पानी में पड़ जाएगा तो पानी में उसको चलाने के बाद अब आप लेना अपनी ये पेपर स्ट्रिप जिसको आप पीएच स्केल कह रहे हो और उसको आप पानी के अंदर डिप करना। पानी में अगर एसिड डालोगे तो बेशक एसिड अपना असर दिखाएगा और पानी को एसिडिक कर देगा, पानी में अगर बेस डालोगे तो बेशक पानी बेसिक हो जाएगा। और आपको पता है सॉल्ट के सॉल्यूशन भी एसिडिक और बेसिक होते हैं, यानी कि अगर आप सॉल्ट डाल रहे हो ना पानी में तो भी पानी की पीएच वैल्यू बदलेगी, वो पानी की पीएच वैल्यू जो बदलेगी वो बताएगी कि पानी एसिडिक हो गया है या बेसिक हो गया है। ठीक है भैया, अब आगे देखो, तो अगर हम बात करें एक और डेफिनेशन भी इसके डिफाइन कर सकते हैं, क्या स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। कहा गया है कि पीएच स्केल को आप ये भी कह सकते हो कि एक ऐसी स्केल है जो हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन मेजर करती है। अब समझो भैया एसिड की पहचान कैसे होती है, सर जब पानी में डाला जाता है तो एसिड अपना H+ रिलीज करता है, इसी से पहचान होती है। तो एसिड कितना H+ रिलीज करेगा, तो H+ आयन का कंसेंट्रेशन क्या होगा, कंसेंट्रेशन को ऐसे लिखा जाता है H+ लिखो और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो, तो H+ आयन का कंसेंट्रेशन कितना होगा उस बेसिस पर पता चलता है कि एसिड कितना स्ट्रांग होगा। ठीक है इतना। अब समझो अगर कभी पूछा जाए कि ये जो कंसेंट्रेशन होता है जिसको आप बोलते हो अमाउंट ऑफ H+ यानी कंसेंट्रेशन ऑफ H+, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कंसेंट्रेशन नापा किस यूनिट में जाता है, तो बच्चों ये नापा जाता है मोल पर लीटर में, किसमें नापा जाता है, मोल पर लीटर में नापा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, देखो ये पीएच स्केल है, जैसा कि आपने अभी जाना कि ये हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन मेजर करती है, कब, जब आप एसिड को पानी में डालते हो तब। तो समझिएगा जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन रहता है उतना ही कम रहती है पीएच की वैल्यू। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन रहता है उतनी ही कम रहती है पीएच की वैल्यू। तो पीएच की वैल्यू जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन के। एक बात और, कई बच्चे परेशान होते हैं पीएच का मतलब क्या है सर, तो बच्चों पीएच का मतलब बेसिकली है पावर ऑफ एच प्लस आयन, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ एच प्लस आयन। ये पावर शब्द जो है इसको जर्मन की लैंग्वेज में पोटेंस बुलाते हैं, पोटेंस। ठीक है, तो इस पोटेंस, P for पोटेंस, and पोटेंस का मतलब होता है पावर, so it is power of H plus ion। अब समझिएगा pH से जुड़े हुए questions कैसे कैसे आ सकते हैं, उससे भी पहले बता दूं आखिर ये pH स्केल बनाई कैसे गई होगी। देखो मैं बताता हूँ, एक पेपर की स्ट्रिप ली जाती है, उस पेपर के ऊपर एक स्पेशल टाइप का एसिड बेस इंडिकेटर लगाया जाता है, वो जो स्पेशल टाइप का एसिड बेस इंडिकेटर होता है उसे हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर बुलाते हैं। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक्चुअली में 2, 4, 5, 6 मतलब कई इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा स्पेशल टाइप का इंडिकेटर बन जाता है जब इसमें 2, 4 इंडिकेटर मिलाए जाते हैं, विच गिव्स डिफरेंट कलर फॉर डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। जो ये क्या करता है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसा होता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाता है अलग अलग प्रकार से कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन को लेकर के। जैसे कि कोई एसिड बहुत स्ट्रांग है उसके लिए अलग कलर दिखाएगा, कोई एसिड जो है कम स्ट्रांग है उसके लिए अलग कलर दिखाएगा, कोई एसिड बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है उसके लिए अलग कलर दिखाएगा, कोई एसिड बहुत वीक है उसके लिए अलग कलर दिखाएगा। ये करता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, H+ आयन के कंसंट्रेशन को देखता है, उस हिसाब से जज करता है, एसिड स्ट्रांग है तो वैसा कलर, एसिड वीक है तो वैसा कलर। उस यूनिवर्सल इंडिकेटर को हमने एक पन्ने पे लगाया और तैयार करी अपनी ये स्केल 0 से 14 तक की। अब देखना समझना मेरी बात, H+ आयन कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतनी पीएच वैल्यू कम। अच्छा, H+ आयन ज्यादा है इसका मतलब एसिडिक ज्यादा है, अब पीएच वैल्यू कम, अब कम समझो, कम पीएच वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, और 0 पे H+ आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, और फिर जैसे-जैसे पीएच वैल्यू बढ़ती है बढ़ती H+ आयन का कंसंट्रेशन घटना शुरू हो जाता है, पीएच वैल्यू बढ़ती 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 H+ आयन का कंसंट्रेशन घटना शुरू हो जाता है, और इस तरह से
जो है एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन चलने लगता है और ऐसी कुछ स्केल बन जाती है जैसा कि आपने बनी हुई देखा होगा। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, इसमें यहाँ पे एच प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पे दिखाया जाता है। ठीक है, कि पीएच की वैल्यू कितनी कम थी और एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम था। पीएच की वैल्यू बढ़ी, एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन गिर गया। पीएच की वैल्यू और बढ़ी, एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन और गिर गया। पीएच की वैल्यू 5 हुई, एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ है। पीएच की वैल्यू 6 हुई, एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ है। इस तरह से पीएच की वैल्यू बढ़ने के साथ एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन गिरता गया। अब समझिए, जब एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन गिरता है तो कहा जाता है कि भैया वो एसिड था, अब उसमें एच प्लस आयन गिर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एसिड वीक होता चला जा रहा है, वीक होता चला जा रहा है, वीक होता चला जा रहा है। सेवन पे जब बात आएगी तो वहां पे फिर बात होगी कि वो भैया उस समय वो न्यूट्रल हो गया, प्योर वाटर हो गया, वो ना एसिड है ना बेस है, वो प्योर वाटर है। और अगर प्योर वाटर से भी नीचे एच की वैल्यू गिरेगी तो वाटर आपका धीरे धीरे बेस में कन्वर्ट होने लगेगा। बेस में कन्वर्ट होने का मतलब समझते ना, OH- माइनस आयन कंसेंट्रेशन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करने लगेगी। इसकी वैल्यू क्या करने लगेगी, इंक्रीज करने लगेगी। एच प्लस की घटती 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 जाती है, साथ में जाकर के बिल्कुल एच प्लस खत्म, फिर उसके बाद OH- इंक्रीज होने लगा। तो इस तरह से देखा जाएगा तो यहाँ पे एच प्लस आयन सबसे ज्यादा मैक्सिमम था, तो यहाँ पे जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब देखा जाए यहाँ पे OH- सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे जो बेस होगा वो वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इतनी बात सबको क्लियर है। अब स्ट्रॉन्ग बेस सबसे ज्यादा कौन है वो भी सब जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बेस। इतनी बात भी सबको क्लियर है। अब आगे की बात सुनिएगा, ये पीएच की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो बहुत ज्यादा काम आती है और जिनको हमें अच्छे से पता भी होना चाहिए। वैसे तो ये आपके हाई स्कूल में डायरेक्ट बोर्ड पे पूछी जा सकती है और इसके अलावा ये आगे भी आपके लाइफ में काम आएगी कॉम्पिटिशन पेपर में। ध्यान समझना, अगर आप पीएच की वैल्यू 1.2 लेते हैं ना, तो 1.2 पीएच की वैल्यू अगर आप लेते हैं तो वो होगी गैस्ट्रिक जूस की वैल्यू। मतलब आपके पेट में जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जो पाचन क्रिया करता है, उसके लिए पीएच की वैल्यू 1.2 होती है। अगर आप पीएच की वैल्यू 2.2 लेंगे तो वो लेमन जूस की वैल्यू होती है। अगर आप पीएच की वैल्यू 5.2 लेंगे तो वो एसिडिक रेन वाटर की होगी। ये क्वेश्चन तो आ भी चुका है, पीएच की वैल्यू अगर आप 5.2 लेते हैं तो एसिडिक रेन वाटर की वैल्यू होती है। अगर आप पीएच की वैल्यू 7 ले लेते हैं तो ये प्योर वाटर की होगी। एक खास बात और बच्चों, जिस वाटर में आप एसिड या बेस या सॉल्ट को चेक कर रहे हैं उस वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री रखा जाता है जब पीएच स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगर तो पीएच स्केल अगर 7.4 वैल्यू दिखा रही है तो वो ह्यूमन ब्लड की वैल्यू होती है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है, जो कि एक वीक बेस है, जो कि क्या है, एक वीक बेस है, लिखा होगा एनसीईआरटी में माइल्ड बेस। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या होता है इसका, MgOH का होल ट्वाइस, तो एक वीक बेस होता है। इसके लिए पीएच की वैल्यू 10 होती है। इसके बाद आप 14 पे जाओगे तो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बेस मिलेगा आपको, वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक बात और सर, हमारा ह्यूमन ब्लड जो है उसकी पीएच वैल्यू 7.4 है। अब ये बताइए कि हमारी बॉडी कितने पीएच तक वर्क कर सकती है। तो बच्चा अगर हमारा पीएच रेंज जो है वो अगर 7 to 7.8 रहता है तो उस पर हमारी बॉडी वर्क कर पाती है। पीएच रेंज एट विच बॉडी वर्क 7 to 7.8, इतनी बात क्लियर है। अब इससे जुड़ा हुआ पहला सवाल ये आता है कि सर, एक सवाल पूछ लिया जाता है कि टूथ डिके जो होता है, टूथ डिके वो किस कारणवश होता है। बच्चों के दांत सड़ जाते हैं, बड़ों के दांत भी सड़ जाते हैं, तो वो किस कारणवश सड़ जाते हैं। अब समझना, ये इस वजह से होता है क्योंकि हमने जो खाना खाया वो अगर हमारे दांतों में लगा रह गया तो हमारे माउथ के जो बैक्टीरिया है वो उस खाने को डिग्रेड करते हैं, तोड़ते हैं, है ना, काटते हैं। और जो माउथ में हमारे शुगर है उसको भी काटते और तोड़ते हैं। वो जो शुगर टूटती है और वो जो हमारा फूड पार्टिकल टूटता है वो रिएक्शन करके एक प्रकार का एसिड बनाता है। वो एसिड क्या करता है, वो हमारे माउथ में जो टूथ है उनकी पीएच की वैल्यू 5.5 से कम ले आता है। और जब पीएच की वैल्यू हमारी 5.5 से कम होती है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है जो हमारे दांत को सड़ा देता है, जो हमारे दांत को काट देता है। इतनी बात क्लियर। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, पीएच ऑफ टू थ्री के। एक बात और, पीएच निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, माइनस लॉग एच प्लस। ठीक है, ये भी होता है, बट ये है कि आपको ये सिलेबस में नहीं है लेकिन जानना जरूरी था इसलिए आपको बता दिया। ठीक, एक बात और, हनी बी जो होती है वो जब हमको स्टिंग कर लेती है, मतलब हमारे कांटा चुबा लेती है, तो उससे हमको इरिटेशन होती है, दर्द होती है, वो किस वजह से होती है, क्योंकि वहां पर भी एक प्रकार का वो एसिड छोड़ती है। उस एसिड को अगर पूछा जाए कि हनी बी से स्टिंग हुआ उस एसिड को कैसे न्यूट्रलाइज करें, तो उसके लिए बच्चों बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। बेकिंग सोडा लगा लीजिए। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। अब ये बेकिंग सोडा एसिड होगा कि बेस, ये बताइए। तो पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया था, मेटल के सारे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो बेसिक सी बात है कि बेकिंग सोडा भी बेसिक इन नेचर है। इतनी बात आपको सबको क्लियर है ना,
बताओ मेरे को जल्दी से। तो ये फटाफट आप नोट कर लो,